वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स यानी कि जेपी पावर स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो जेपी पावर स्टॉक में पिछले देख से कई दिन एक अच्छी तेज़ी पकड़ी थी। जेपी पावर स्टॉक ने 9 लेवल के ऊपर भी चला गया था, पर फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। आज हल्की सी गिरावट फिर से देखने को मिले, 8.75 पे ट्रेडिंग करा जेपी पावर स्टॉक। 15 पैसे की गिरावट यानी कि तकरीबन 1% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। मीन्स आज ओपन होते ही गैप डाउन से ओपन हुआ था और यहाँ पे जेपी पावर स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया है जेपी पावर स्टॉक के लिए, और 9 लेवल का भी रेजिस्टेंस लगता हुआ नज़र आ चुका है। तो तकरीबन देखा जाए तो मार्केट कैप जो है 6,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। हल्की सी गिरावट मार्केट कैप में देखने को मिली कल के दिन के बाद। पी रेशो 19.57 का है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी भी अच्छा टाइम है जेपी पावर स्टॉक के अंदर पी रेशो के हिसाब से। पिछले 5 दिनों की मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में 15% की तेज़ी देखने को मिले जेपी पावर स्टॉक में। वॉल्यूम यहाँ पे चेक करेंगे जेपी पावर स्टॉक का, तो वॉल्यूम देखा जाए तो 6,45,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है जेपी पावर स्टॉक में। ट्रेडेड वैल्यू जो है 5,700 लाख की है। तो यहाँ पे बाइंग के लिए 1,40,00,000 क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 3,69,00,000 क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन भी देखे जाए तो क्वान्टिटी जो ट्रेडेड थे 6,23,00,000, उसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2,54,00,000 क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। तकरीबन 40% क्वांटिटी अगले दिन के होल्डिंग के लिए चले गए। तो चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे जेपी पावर स्टॉक के, तो जेपी पावर का चार्ट भी देखा जाए तो देख सकते कि जेपी पावर मंथली जो रजिस्ट्रेशन 1 है 8.80, उसका यहाँ पे देख सकते कि रजिस्ट्रेशन लगता हुआ नज़र आ रहा है जेपी पावर स्टॉक के लिए आज। मीन्स गैप डाउन से ओपन हुआ और उसी रजिस्ट्रेशन के नीचे ओपन हुआ मंथली रजिस्ट्रेशन के, तो उसी का रजिस्ट्रेशन लग रहा है। कल सपोर्ट लिया था, आज रजिस्ट्रेशन लग के गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जेपी पावर स्टॉक के लिए।